सुजान, जो बात कर रहे हैं वो यही है कि एजेंडा क्या है, ये पीछे मकसद किस तरीके का है, और ये पूरे का पूरा जो एक तूल है पकड़ा हुआ है मामला, और जो सेंट्रल जिस तरीके से उसको कहीं ना कहीं, और अभी राष्ट्रपति जी का भी उसमें इंटरवीन किया जाना, सब पर आपकी प्रतिक्रिया। और साथ साथ हम राज्यों की भी बात करते हैं। हमने कहा कि जम्मू कश्मीर आपको दिखता है कि नहीं आ रहा है, तो आपने वहां सारे के सारे अधिकार एलजी को हो गए। आप अभी से कह रहे हैं कि हरियाणा नहीं आया तो हम 6 महीने में फिर वहां पर बीजेपी आ जाएगी, केसरिया फहरा दिया जाएगा। कैसे देखा जाए, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया सुनील सर? धन्यवाद संजीव जी। पश्चिम बंगाल में तो जो कुछ भी हो रहा है वो केवल यह है कि ममता बनर्जी सरकार, टीएमसी सरकार को बदनाम करो और वहां पर एक उस सरकार के खिलाफ एक राजनीतिक माहौल बन रही है। लेकिन ये हथकंडे चलते नहीं है। अगर आप महिलाओं के खिलाफ हो रहे हिंसा को लेकर के, देश के सभी हिस्सों में हो रहे हिंसा को लेकर के अगर आप प्रतिक्रिया देंगे तो उसका असर पड़ेगा। लेकिन आप मणिपुर पे चुप रहेंगे, कठुआ पे आरोपियों के खिलाफ जुलूस निकालेंगे और आप कलकत्ता में आकर के, कोलकाता में आकर के आप आंदोलनकारी हो जाएंगे, तो यह बात सबके समझ में आती है। और कि या अब यह जन आंदोलन नहीं रह गया, या सर इसको भारतीय जनता पार्टी का यह प्रायोजित आंदोलन बन गया है। निश्चित रूप से जो घटना घटी है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। बिल्कुल जघन्य अपराध है, उसमें जो भी अपराधी शामिल हो, जिसकी सजा जो पुष्ट हो जाए, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब क्या चाहते हैं भैया? अगर अभी तक आरोपी गिरफ्तार न किया गया होता, अगर यह मामले की जांच सीबीआई को न सौंपी गई होती, सरकार का हस्तक्षेप होता, तो आप निश्चित तरह सरकार के खिलाफ आंदोलन कीजिए कि सरकार बचाने में लगी हुई है। क्या सरकार किसी को बचाने में लगी हुई है तो उसका पर्दाफाश हो जाना चाहिए, सीबीआई कर दे। अगर कोई ऐसे लोग हैं जो अभी तक सामने इनका नाम नहीं आया है तो सीबीआई के पास जांच है, सीबीआई उनका नाम सामने कर दे। एक 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 सब समाज में यही होता है ना, जांच के आधार पर कि एक किसी एक अपराधी घटना को लेकर के आप राज्य सरकार की बर्खास्ती की बात करने लगे, बात होती नहीं। और अगर यह है तो सभी राज्यों में हो। आज उत्तर प्रदेश में की घटना है फरुखाबाद की, यहां क्यों नहीं कोई बात करता? वहां भी होनी चाहिए। राजस्थान की घटना है, वहां कोई क्यों नहीं बात कर रहा है? बात होनी चाहिए। आज तक किसी ने बात ही नहीं की मणिपुर घटना का, मणिपुर की महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ वो क्षम्य है, उसके पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, उस पर किसी की आंखें शर्म से नहीं झुकती हैं। लेकिन अगर आप उस पर चुप रहेंगे और इन मुद्दों पे बोलेंगे तो साफ साफ लगेगा कि आप राजनीति कर रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि अगर धारा 356 लागू हुई पश्चिम बंगाल में तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही आत्मघाती होगा, सामान्य घटना नहीं होगी। और जहां ये इसी तरह की स्थिति बनी, डॉक्टर सुनीलम जी से मैं सहमत हूं कि जहां जहां चुनी हुई सरकारों को गिराने का प्रयास किया गया, जैसे एनटी रामाराव की सरकार रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार रही हो, जब आपने गिराने का प्रयास किया, अपहरित करने का प्रयास किया, तो जो परिणाम भुगतने पड़े थे उस समय की सरकारों को आपको भुगतना पड़ेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। और आप इस दौर में भी देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र की सरकार को निशंक किया, सत्ता दल बदल करा करके वहां सत्ता में आ गई। आज क्या हालत है? दो इस साल के लोकसभा के चुनाव में वहां की जनता ने बता दिया कि जो कुछ भी आपने किया है वह जनता उससे सहमत नहीं है। आपकी संख्या घट करके 9 रह गई, आपके जो सहयोगी हैं उनका कोई पुरसा हाल नहीं है। जनादेश के खिलाफ जहां भी आप कोई कार्रवाई करेंगे, जनता आपके साथ नहीं खड़ी हो सकती। आप ममता बनर्जी को टारगेट करके, उनकी आलोचना करके जन समर्थन नहीं हासिल कर सकते। आपको यह बता, इसलिए नहीं हासिल कर सकते कि आप विपक्ष में नहीं है। अगर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में सत्ता में है तो आप केंद्र में सत्ता में है। आपको यह बताना पड़ेगा कि आपका जो शासन की प्रणाली है, गवर्नेंस देने का जो तरीका है, वो ममता बनर्जी से कैसे भिन्न है। आप ममता बनर्जी की तुलना में किसानों को, विद्यार्थियों को, महिलाओं को किस तरह से बेहतर राहत देने की स्थिति में, आप ममता बनर्जी की तुलना में रोजगार के अवसर कैसे सृजित करना चाहते हैं, आपको बताना पड़ेगा। क्या ममता बनर्जी की तुलना में आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, इस पे बात बन सकती है। अगर आपसे बेहतर, इसके तो सुनील सर माफी चाहते हो, इसके तो खुलासे पहले हुए हैं कि आपने क्या कुछ वहां, कैसे मनरेगा का पैसा रोका और भी कैसे क्या क्या कुछ नहीं कर पाए। आपने जो एक वहां कांड जो पिछला करने की कोशिश की थी उसकी भी परतें खुल गई थी, साफ हो गया था कि वो भी गलत निकला था।
यही तो मैं कह रहा हूं आपसे कि अगर आप ममता बनर्जी से बेहतर नहीं कर रहे हैं और ममता बनर्जी केवल आप आलोचना करेंगे तो आप सत्ता नहीं पा सकते, जनसमर्थन नहीं पा सकते आप। जो पिछला विधानसभा का चुनाव था भारतीय जनता पार्टी ने कोई ताकत मैंने कुछ भी बचा नहीं था जो ने लगा दिया, क्या मिला? जो थोड़ा बहुत जनसमर्थन आपको उत्तरी बंगाल में मिला भी इस लोकसभा के चुनाव में वो भी घट गया। बिल्कुल बिल्कुल, वहां भी आपकी ताकत घट गई। जो स्थानीय निकाय के चुनाव है वहां भी आप खारिज कर दिए गए। नारेबाजी से काम नहीं चलने वाला ना। अगर आपके पास अब स्थिति है कि आपको गवर्नेंस की बात करनी पड़ेगी, आप अपने विरोधियों को गैर राजनीतिक तरीके से उनका सफाया कर देंगे, ये संभव नहीं है। यह तरीका खत्म हो गया कि आप जिनको राजनीतिक रूप से आप नहीं लड़ सकते उनको आपने इन तरह के हथकंडों में हो सकता सरकार बना लेना अलग की बात है। हो सकता है कि आप सरकार बना लें, सरकार चला भी लें, चूंकि आप इस जगह सरकार में है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके, लेकिन उसके बूते पे आप जन समर्थन हासिल कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। जहां जहां भी आपने अपने विपक्षियों को अपने से सहमति न रखने वालों का विरोध करने का अपने प्रयास किया, दबाने का प्रयास किया, वहां वहां आपको राजनीतिक नुकसान हुआ है। पूरे देश में क्या नक्शा उठा करके आप देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप राष्ट्रपति जी का जो बयान है, राष्ट्रपति जी का बयान, संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति का इस तरह घटनाओं पर बयान निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन इस तरह के बयान सभी मामलों में आने चाहिए। एग्जैक्टली, तब आपके बयान का महत्व बढ़ जाता, तब लगता है कि हमारा नेता, हमारा राष्ट्राध्यक्ष, हमारा जनप्रतिनिधि कितना संवेदनशील है, उसके मन में कितनी पीड़ा है। अगर आप मणिपुर घटना पर चुप रहेंगे, अगर आप फर्रुखाबाद की घटना पर चुप रहेंगे, अगर आप हाथरस की घटना पर चुप रहेंगे, अगर आप राजस्थान की घटना पर चुप रहेंगे और कोलकाता की घटना पर आप बोलेंगे तो आपका वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हम उस बयान को खारिज नहीं कर सकते, लेकिन एक इम्पैक्ट चाहते हैं। हमारे हमारे देश का राष्ट्रपति ने कोई प्रतिक्रिया दी, हमारे राष्ट्रपति का बोलना कोई सामान्य बात नहीं है, हमारा आपका बयान नहीं है, पूरी दुनिया सुनती है कि भारत के राष्ट्रपति ने क्या प्रतिक्रिया दी। लेकिन आप एकांगी नहीं हो सकते, और अगर आप एकांगी होंगे, किस पे बोलेंगे किस पे नहीं बोलेंगे, राजनीतिक रफा नुकसान के तरफ देखेंगे आप, सत्तारूढ़ दल के रफा नुकसान के हिसाब से आप सोचेंगे, तो फिर आपके बयान का वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, फिर आप आलोचना के शिकार होंगे। सुनील सर, इसमें एक बड़ा सवाल ये भी है, बार बार बात ये होती है सुनील सर की, जो मोदी या शाह की जो राजनीति करने की शैली है कि जो उनके खिलाफ होगा उसको कैसे दबाना है, कैसे कुचलना है, कैसे या तो अधीन हो जाओ या फिर आप जो है आपको किसी भी तरीके से हम नेस्ता नाबूद कर देंगे। और अभी जब हम लोकसभा देखते थे, लोकसभा में अगर राहुल गांधी या जो कांग्रेस के बाद किसी ने बहुत ज्यादा प्रधानमंत्री पे तीखे हमले किए तो पश्चिम बंगाल के सांसदगण ज्यादा थे, अब वो मोइत्रा से लेकर और बाकी जो ममता जी का भतीजा है वहां तक की बात है। क्या उसके रिपरकेशंस के तौर पे भी इसको लिया जा सकता है, जो बीजेपी पूरा कर रही है, कहीं ना कहीं 354 355 लगेगी, 56 लगेगी, क्या होगा क्या नहीं करेंगे वो तो बात की बातें हैं, कोशिश जो हो रही है जो इसको करा जा रहा है, इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी जो मैंने सवाल किया? सुनील सर, नहीं, ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर बहुत समय से है। ममता बनर्जी बड़ी बाधा है एक भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण आधिपत्य वाली सरकार बनने, वहां पे इनकी दाल गल नहीं गल रही है। इंडिया दल समूह की एकता के में भी ममता बनर्जी को बहुत प्रभावित करने की कोशिश की गई, नहीं चला। तो आप इस चुनाव के पहले भी आप देख लीजिए, जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी का रवैया क्या था? जो मोदी जी और शाह जी के राजनीति करने का तरीका है वो तब तो चल सकता है जब आपके पास एकदम प्रचंड बहुमत, पूरा एकाधिकार चारों तरफ है, जो चाहे आप सो निर्णय लीजिए, जो चाहे सो आप कर लीजिए। इस दौर में या आप इस तरह का निर्णय, इस तरह की राजनीति आप नहीं कर सकते, और आपके राजनीतिक तौर तरीकों से लोग असहमत हैं, इसी बात का प्रमाण है कि आप 240 पे सिमट गए, आपको बहुमत की सरकार बनाने का मौका नहीं मिला, कई राज्यों में लोगों ने आपको खारिज कर दिया। आप आपको कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपका जन समर्थन बना रहे। ये जो तरीके अपना रखा है आपने, अब ऐसा नहीं है कि इसकी समझ लोगों के पास नहीं है, ये सही है कि बिल्किस बानो के अपराधियों को, सजा याफ्ता लोगों को आप छोड़ेंगे, उस पर कोई टिप्पणी आप नहीं करेंगे, और आप पश्चिम बंगाल के मामले पर सड़क उतर जाएंगे तो कौन आपको विश्वास कर लेगा कि वाकई आप गंभीर हैं और आप राजनीति नहीं कर रहे हैं? छोटी सी टिप्पणी यदि आप करें, जो छूटा हो एक आध दो लाइन में, तो मैं इसको समाप्त कर दूंगा। आप शायद संपर्क टूटा था, वो जो नेट की समस्या है, वो समस्या बनी हुई है, प्लीज आप।
नेट मेरा गड़बड़ हो गया था, अचानक डिस्टर्ब हो गया, तो इससे मैं हम लोग की बात हो गई है, लेकिन ये सही है कि कोलकाता के मामले पे जो कुछ भी बात हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, और इस तरह के राजनीतिक हटकंडों से आप किसी सरकार को बदनाम करने का प्रयास भले कर लें, लेकिन आप बदनाम कर नहीं पाएंगे। आप सरकारों को बदनाम उनके गवर्नेंस की विफलताओं के आधार पर ही कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आपके राजनीतिक परसेप्शन बनाने से बात नहीं बनती सर। कुछ कोई तरीका अपना लीजिए। अगर 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 इस घटना को लेकर के सरकार राज्य के निश्चित रूप से राज्य सरकार के ऊपर आरोप है कि वह एक महिला चिकित्सक को सुरक्षा नहीं दे पाई सर, ठीक है, लेकिन इस तरह की घटनाएं अन्य जगहों पर हुई है, लेकिन हर जगहों पर हुई है, इसलिए घटना कमतर है ऐसा भी नहीं है। घटना गंभीर है, लेकिन एक एक राष्ट्रीय विमर्श होना चाहिए कि सरकारें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में जो है, ये सभी मिल करके हर मामले में कम से कम जब वहां महिलाओं का सम्मान हो, वहां सुरक्षा का सवाल हो, उस पर गंभीर, अगर ये आप कोशिश करते हैं तो इसका प्रसिद्ध बन सकता है। राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करेंगे तो गंभीर से गंभीर विषय के महत्व को, उसकी गंभीरता को आप कम करते हैं।